राम राम भाई, सारे भाई ने तो कैसे अपनी राइडर फैमिली, आज एक बार चेक करेंगे अपनी बाइक की परफॉर्मेंस। और एक ये कैमरे का होल्डर मंगाया मैंने, बिकॉज उस वाले हेलमेट से मैंने वो वाला माउंट निकाल लिया था और वो टूट गया था, तो नया एक मंगाया। इसमें अपना कैमरा चिपकाना नहीं पड़ेगा, बस ट्रिप से टाइट हो जाएगा और काम चल जाएगा। तो एक बार इसकी टेस्टिंग करनी है कि कैसा कुछ से रिस्पॉन्स, इसका ज़्यादा कैमरा तो नहीं हिल रहा है। इसकी टेस्टिंग के लिए आज एक बार आया हूँ वीडियो बनाने, तो चलो एक बार देखता हूँ, ट्राई करता हूँ और कैसी वीडियो बनती है बताते हैं आप सबको। और इसमें हेलमेट में माइक भी सेट किया है, तो उसमें भी पता चलेगा कि कुछ ज़्यादा फ़र्क है आवाज़ में या नहीं है हेलमेट के। उससे अगर ज़्यादा फ़र्क हुआ कि हाँ आवाज़ बिल्कुल ही ख़राब आ रही है, तो हेलमेट लेना पड़ेगा नया दूसरा। और अगर आवाज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ, तो फिर मैं एक हेलमेट देख के आया था, 7-8 हज़ार के आसपास का है, वो लेना है। फिर अगर क्या बोलते हैं वो हुआ, तो वो बड़ा हेलमेट लूँगा थोड़ा रुक के, लगभग ये लगा लो मई में। और अगर ये ख़राब, इसमें आवाज़ नहीं आई अच्छी, तो फिर तो वो लेना, या फिर मैं वो अप्रैल में ही उसको परचेज कर लूँगा। फिर भाई वही बात है, फिर वो उससे एक छोटा देखा था 5,000 रुपये के आसपास, छोटा क्या मतलब रेट में कम था, 5,000 के आसपास, फिर वो लूँगा इस मंथ में। तो चलो एक बार करते हैं ट्राई। अब ये पल्सर 220 की आवाज़ सुनो भाई, ये देखियो देखिए, ये देखिए, अब सिलेंडर की आवाज़ चेंज होते हैं तो पूरा फोम मार आके थी। चलो अब एक इसकी वीडियो तो आज की है, तो इतनी बनाऊंगा, ये दो माउंट की थी अपनी। अब एक नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे, देखते हैं दोनों की ड्रैग रेस, वो शूट करते हैं अब, वो फिर मिलेगी वीडियो आपको कल। तो चलो तब तक मैं आपको माउंट दिखाता हूँ। तो भाई ये है वो कैमरा माउंट जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। अगर आप में से किसी को चाहिए हो, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो भाई आप वहाँ से जाके परचेज़ कर लेना।